अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी स्नैपचैट के हवाले से जो टेम्पलेट्स हम यूज़ करते हैं लेंस स्टूडियो में स्नैपचैट के हवाले से, तो वो हम किसी भी तरह जो कि आपको इफेक्ट्स हाउस में आपने देखा होगा वहाँ भी हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, सेम यही चीज़ हम लेंस स्टूडियो में जो है दोहराएंगे। लेंस स्टूडियो में भी हम टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं और आप इसको इजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेसिकली देखा जाए हमारा लास्ट में स्नैपचैट का जो लेंस स्टूडियो का जो कोर्स था वो मोस्टली 3 वीडियोस तक हम जो कि हमने किया था, उसके बाद हम बेसिक्स टूल में ही थे, उसके बाद जो हमने इसका कोर्स अचानक रोका था इफेक्ट्स हाउस की वजह से। तो बेसिकली अब हम इंशाल्लाह जो कि अब रेगुलर पे हम लोग बेसिस नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन पे हम स्नैपचैट पे जो है अपनी इंशाल्लाह आपको वीडियोज जो है वो आपको अपडेट देता रहूंगा। इसी के साथ साथ हफ्ते में 2 वीडियोस हम गेमिंग इफेक्ट्स पे वर्क करेंगे जो कि टिकटॉक इफेक्ट्स के हवाले से होंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा वहाँ 80% कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ विजुअल स्क्रिप्टिंग का जो हमारा गेमिंग इफेक्ट्स है वो मैं इंशाल्लाह जो वीकेंड पे जो 2 इफेक्ट्स गेमिंग इफेक्ट्स दूंगा उस पर आप इंशाल्लाह क्लियर हो जाओगे। इसी के साथ साथ ये स्नैपचैट के हमारे पास टेम्पलेट्स हैं जो कि आप देख सकते हो, इतने कुछ खास ज़्यादा नहीं है इसमें, नॉर्मल आप देख रहे होगे। जैसे इसमें कुछ जैसे इफेक्ट्स हाउस में आप देखते हो बहुत ज़्यादा गेमिंग इफेक्ट्स और आपको अजीब अजीब तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन स्नैपचैट में और लेंस स्टूडियो में जो हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली सिर्फ हमारे कैमरे के हिसाब से, हमारी पिक्चर्स हमारी वीडियोज़ के हिसाब से होते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि जो लेंस स्टूडियो है, जो स्नैपचैट के फिल्टर्स इफेक्ट्स हम जो क्रिएट करते हैं वो दरअसल हर बंदा वीडियोस और पिक्चर्स के लिए ही क्रिएट करता है। तो इसी के साथ साथ आपको जो है आसान तरीक़ों में अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हो, कोई भी टेम्पलेट, जैसे सपोज हमारे पास ये एक टेम्पलेट है मेकअप का, आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको सिंपली इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद जो है आप इस पर वर्क हम जो है इजीली कर सकते हैं। तो अभी ये जैसे ही लोडिंग हो जाता है फिर हम इस पर जो है वर्क करके चेक करेंगे। तो अभी ये आप देख सकते हो जो हमने टेम्पलेट ओपन किया था वो ऑलरेडी जो कि हमारे प्रीव्यू पे डैशबोर्ड पे सामने आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कि ऑलरेडी कैमरा है, कैमरे के बाद मेकअप का जो है वो फर्स्ट फेस पे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ हुआ है, रीटच वन पे फिल्टर यूज़ हुए हैं, मेकअप कंट्रोलर एडिट मी पे कुछ इफेक्ट्स यूज़ हुए हैं। तो बेसिकली इतना इसमें कुछ खास वर्क नहीं हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं मेकअप कंट्रोलर पे कुछ ब्लश, आई शेडो 3, आई शेडो 1, आई लाइनर, मस्कारा, आईब्रोज, लिप्स और लिप ग्लॉस, तो ये सारी चीज़ें जो कि इसमें ऐड हुई हैं। तो स्नैपचैट के इफेक्ट्स जो कि है बहुत आसान तो हैं क्रिएट करना, लेकिन इसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा, थोड़ा हमारे लिए अचीवमेंट जो करना होता है, जो इसका क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो इसके इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके यूजेस भी ज़्यादा हैं, इसके यूज़ करने वाले भी ज़्यादा हैं। तो बेसिकली आपका ये स्नैपचैट पे तो आप एक कर सकते हैं, लेकिन जिनके अच्छे अकाउंट्स हैं उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, वो बेहतरीन जो है अपना वर्क कर सकते हैं। अगर उनके क्राइटेरिया स्नैपचैट के कंप्लीट हैं तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इफेक्ट्स हाउस से भी, और सॉरी स्नैपचैट के लेंस स्टूडियो से भी वो अर्निंग कर सकते हैं। लेंस स्टूडियो में वो इफेक्ट्स क्रिएट करके वो सबमिट कर सकते हैं अपने स्नैपचैट पे, और जो भी यूजर्स को यूज़ करता है अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है तो आपको एक्स्ट्रा इनकम जो है वो इफेक्ट्स से मिलेगी, क्योंकि जब व्यूवर्स आपके इफेक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपके अपना स्नैपचैट की मोनिटाइजेशन के ही थ्रू आपको इफेक्ट से अर्निंग मिलती है। तो इसमें वो इस विजिबल स्क्रिप्टिंग वाला इतना लांजा थोड़ा नहीं है, जैसे उसमें नोट्स पे वर्क होना वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए एक डिफ़िकल्ट होता है, हर जो क्रिएटर्स होते हैं। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, जो टिकटॉक इफेक्ट्स पे जो हम नोट पे वर्क करते हैं वो जितना हमें मुश्किल लगता है वो उससे ज़्यादा कई आसान है। तो जब हम गेमिंग इफेक्ट्स पे वर्क करेंगे, मैं आपको जब उस पर गाइड करूँगा तो आपको इनशाला जो सारी चीज़ें हैं वो समझ आने लग जाएंगी। तो बेसिकली ये आपको मैं बता रहा था, स्नैपचैट की एसेट लाइब्रेरी पे आप जा सकते हो, यहाँ से भी आप कोई चीज़ें जिस तरह सेम वही तरीका कार है जो कि इफेक्ट्स हाउस में वही स्नैपचैट के इस पे है, तो यहाँ से आप ये इंपोर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ फीचर मिले हुए हैं, एसेंशियल और 3D 2D इफेक्ट्स हमें
तरह तरह की और बहुत सी चीज़ें मिली हैं, तो आप इनको जो है यूज़ कर सकते हो, इनके थ्रू आप अपने इफेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हो। बकायदा फिर इंशाल्लाह हम इस पर नेक्स्ट न्यू वीडियो बनाएंगे इम्पोर्ट्स के साथ, तो अपने कोई भी हम यहाँ से एड्स जो वन वन मॉडल्स हैं वो हम ऐड करके इस पर इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ट्यूटोरियल्स को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, ताकि आप व्यूवर्स तक जो है इसका जो कोर्स है वो भी जल्दी कंप्लीट हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।